हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस व्हीकल्स के बारे में। बीएस यानी बायो स्टैंडर्ड क्या होता है, साथ ही में आपको कौन सा लेना चाहिए, BS4 या BS6, इन सब की हम बात करेंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा उन सब की बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि BS5 गया कहाँ, इन सब की इसी वीडियो के अंदर बात होगी। यदि आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि BS होता क्या है। BS यानी भारत स्टैंडर्ड, जो कि हमारे कंट्री के अंदर व्हीकल से निकलने वाले पोल्यूशन के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट्स को मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सेट करता है। मेनली ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स यानी भारत स्टेज के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मौजूद पोल्यूशन एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ से लिए गए हैं। मेनली यूरोप के अंदर जो एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से ही वहाँ की सारी गाड़ियाँ बनती हैं, और इंटरनेशनली इसको एक तरीके से बेसिक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से ही सारी की सारी जो कंपनीज है वो इसी स्टैंडर्ड पे बनाती हैं, और इसी को ही अडॉप्ट किया है इंडिया ने यानी हमारे भारत ने, जो कि शुरुआत हुई थी 2001 से। 2001 से BS फर्स्ट लागू हुआ था, और लास्ट में BS4 2017 में सेट कर दिया गया था कि BS4 की गाड़ियां ही बनना शुरू होंगी 2017 के बाद में। इसके बाद में जितनी भी जो BS3 BS2 आ रही थी उनकी सारी की सारी जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की और बाइकों की सब बंद हो जाएंगी, और इसी वजह से 2017 के बाद में BS3 की ना तो कोई बाइक मिल रही होंगी और ना ही कोई गाड़ियां, उसके बाद में BS4 ही की मिल रही होंगी। और ऐसा ही कुछ सेट कर दिया गया है BS6 के लिए। BS6 को भी अब सेट कर दिया गया है कि 31 मार्च 2020 के बाद में आप कोई भी गाड़ी या कोई भी कार नहीं बना सकते हो BS4 के हिसाब से। अभी सारी की सारी गाड़ियां बनेगी BS6 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और ये BS6 के स्टैंडर्ड सेट कर देंगे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस बीच में BS5 गया काम। BS5 इस तरीके से गया कि हमारी जितने भी भारत स्टेज के जितने भी पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये पॉल्यूशन एमिशन स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जिसकी वजह से कि हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जा सके। मेनली हमारे फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट होता है जो कि अलग अलग होता है। मेनली जो BS3 के अंदर जो सल्फर कंटेंट आता था वो बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन BS4 में ये सल्फर कंटेंट कम कर दिया गया, और BS6 में ये सल्फर कंटेंट और भी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से इसके अंदर पॉल्यूशन कम होना शुरू हो गया। और इसी वजह से BS6 को लागू किया गया और BS5 को स्किप किया गया, उसके नॉर्म्स को स्किप किया गया, जिससे कि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। जबकि जो BS6 है वो बहुत जल्दी लागू कर देना चाहिए था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया, और इसी वजह से BS6 को लागू किया, BS5 को स्किप कर दिया गया। अब बेसिकली BS4 और BS6 की इनको लागू करने के चक्कर में कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कंपनियों को नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि उनका अपनी अलग अलग इंजन्स बनाने पड़ते हैं, BS6 के हिसाब से इंजन्स बनाने पड़ते हैं या BS4 के हिसाब से इंजन्स बनाने पड़ते हैं। तो अब उनको BS6 के हिसाब से इंजन्स बनाने पड़ेंगे तो उनके जो पार्ट्स होंगे वो भी महंगे होंगे, और उन पार्ट्स के महंगे होने की वजह से जितनी भी गाड़ियाँ हैं बाइक्स हैं वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। ऐसे में गाड़ियों के अंदर जो BS6 है वो बहुत पहले से आना शुरू हो चुका था, लेकिन दिक्कत है बाइक्स के साथ में। बाइक सारी की सारी BS4 के अकॉर्डिंग ही बन रही थी, और अब सेट कर दिया है कि भैया कि आप 31 मार्च 2020 के बाद में BS4 की जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, बाइक का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी गाड़ियां बिकने वाली हैं, और इसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आपको मंदी भी देखने को मिल रही होंगी। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम यदि BS4 की गाड़ियां हैं वो यदि बंद हो जाएंगी तो क्या हम उन्हें रोड पर चलाना बंद कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनीज के लिए लागू किया गया है कि वो अपना प्रोडक्शन जो BS4 की है वो सारी की सारी बंद कर दे। ये आपके ऊपर लागू नहीं है। आप BS4 की जो व्हीकल है, BS3 के व्हीकल्स हैं, वो आराम से रोड पर चला सकते हैं। मेनली अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो BS6 में बनना तो शुरू हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारी की सारी गाड़ियां हैं वो BS6 में BS4 में ही बना रही हैं, सारी की सारी बाइकें BS4 में ही बन रही हैं। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि BS6 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, लेकिन वो अभी भी BS4 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, जैसे कि यामा, जो कि अपनी अलग अलग बाइकें जितनी भी हैं वो BS6 की जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, उसको ही यूज़ कर रही है। लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं वो अभी भी कार्बोरेटर मोड पर चल रही हैं, जिसकी वजह से वो BS4 वाले नॉर्म्स को भी फॉलो करती हैं। तो हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, BS4 वाली या BS6? ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। यदि आपका बजट कम है तो आप प्रेफर करेंगे आप BS4 पे जाएं, क्योंकि BS4 के अंदर आपको प्राइसेस कम देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात करें एक्टिवा की, तो उसके अंदर आपको करीबन 72 से 77 हज़ार के बीच में एक एक्टिवा
हमें देखने को मिल जाएगी बी एस फोर के अंदर। लेकिन यदि हम बात करते हैं इस समय बी एस सिक्स की जो अभी भी हाल ही में आई है एक्टिवा, वो करीबन करीबन आपकी 92,000 से 95,000 के बीच में हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 10,000 का डिफरेंस आ चुका है और ये 10,000 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में यदि आप सोच रहे हैं कि BS4 की ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत बस यही है कि थोड़ा पॉल्यूशन करेंगी और ये पॉल्यूशन शायद हम पे भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार BS6 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितने भी गाड़ियां बनी हैं, जो बाइक्स बनी हैं, उनसे निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो BS4 के मुकाबले 5 गुना तक कम है। अब ऐसे में कौन प्रेफर करेगा कि BS4 को लिया जाए? BS4 की वजह से धुआं निकलने वाला है, जो पॉल्यूशन निकलने वाला है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप BS4 को नहीं ले सकते, आप चाहे तो आप अपने, यदि आपको फ्यूल कम निकलना है, आपके जो पॉल्यूशन को कम करना है, तो आप यामा की बाइक्स ले सकते हैं, यामा की स्कूटीज ले सकते हैं, जिनके अंदर ये टेक्नोलॉजी पहले ही आ चुकी है, तो शायद आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी आपको थोड़ा डिस्काउंट देखना है, तो शायद 2017 के अंदर जब BS3 की भारी मात्रा के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, तो वैसे ही डिस्काउंट शायद अभी भी BS4 के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी वो थोड़ा अचानक से हुआ था, तो इसी वजह से वहाँ पर आपको सस्ते में बेचने को मिली थी, लेकिन अब BS6 का जो प्रोडक्शन है बाइक्स का, वो चालू हो चुका है और आ भी चुकी हैं, तो ऐसे में शायद वैसा बूम तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फिर भी BS4 की जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ती देखने को मिलेगी BS6 के मुकाबले। तो ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि यदि आपका बजट कम है तो आप BS4 को प्रेफर कीजिए, और यदि आपका बजट सही है तो आप BS6 की ले सकते हैं, जिससे आप अपने पॉल्यूशन के अंदर जो कमी है उसके अंदर थोड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। क्योंकि हमें एक गैस चैम्बर की ज़रूरत नहीं है जैसा कि दिल्ली के अंदर है, हमें दिल्ली नहीं बनाना है, हमें एक अच्छी सिटी बनानी है जिसके अंदर हम आराम से सांस ले सकें। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट की, आपकी सुझावों की हमें बड़ी ज़रूरत है, साथ ही में ज़रूरत है आपके अंगूठे की। अंगूठे से क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, काट के नहीं देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई एम सुखेल विद सुरेश, पीस आउट।